हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। क्वेश्चंस नंबर 146 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 169 तक इस वीडियो में हम करेंगे, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 146 नंबर 146 नंबर क्वेश्चंस है। एक विक्रेता 5 रुपया में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपया में 5 के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हमने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए और सोल्व कीजिए, आपका आंसर इजिली आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे इसका रेशियो फॉर्मेट में। तो रुपया बटा वस्तु करने पर एक वस्तु का मूल्य निकल कर आ जाता है। तो क्वेश्चंस में दिया है एक विक्रेता 5 रुपया में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। 5 रुपया में 8 के भाव से, यानी कि 5 रुपया है 8 के भाव से, रुपया बटा वस्तु हमने किया, यानी कि 5/8 रुपया एक केला का क्रय मूल्य हुआ। आगे क्वेश्चंस में लिखा है उन्हें 8 रुपया में 5 के भाव से बेचता है। 8 रुपया में 5 के भाव से बेचता है, तो 8 रुपया है और 5 वस्तु है, रुपया बटा वस्तु हमने किया, यानी कि एक केला का विक्रय मूल्य 8/5 रुपया हुआ। तो अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर आप चाहे तो 8 और 5 का एलसीएम लेंगे, फिर दोनों में आप जो भी एलसीएम आएगा 8 और 5 का एलसीएम 40 उससे गुना करेंगे। या दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 गुना 5 यहां पर लिख सकते हैं इस तरह से, उसके बाद ये गुना करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 8 गुना 8, यानी कि 25/64। अब यहां पर 25 को हम चाहे तो 100 बना सकते हैं, यानी कि 25 में 400 गुना करने पर 100 हो जाता है, तो 64 में भी 400 गुना करना होगा, तो 25 चौके 100 और ये 64 चौके कितना हो जाएगा, तो 256। डेट मीन्स यहां पर आप देख सकते हैं 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 256 रुपये में बेच रहे हैं, तो सबसे जितना ज्यादा रहता है उतना परसेंट का लाभ होता है। तो यहां पर सबसे ये कितना ज्यादा है, 256 है, जो 100 से 156 ज्यादा है, यानी कि 156% का क्या हुआ प्रॉफिट, 156% लाभ कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 156%, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां जो हमने ये क्रॉस करके किया है, इसे चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते थे कि यहां पर देखिए 5/8 और ये 8/5 आपका क्या है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो है। यहां दूसरा तरीका हम बनाना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, ये जो आपका हर में है 8 और 5 इसका एलसीएम लेते हैं, यानी कि 8 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है, तो ये आपका 8 और 5 का एलसीएम 40 हुआ, तो 40 से आपको ये दोनों भिन्न में गुना करना है, यानी कि 5/8 × 40 और फिर अनुपात 8/5 × 40। अब ये कैंसिल करेंगे, 8/5 = 40 और ये 15 = 40, तो 5 × 5 = 25 और ये 8 × 8 = 64, तो 25/64 क्रयमूल और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। यहां देख सकते हैं 25/64 हमने लाया था, तो यहां पर आप 400 गुना करेंगे तो यहां भी 400 गुना करना होगा, जो ऑलरेडी इसमें हमने कर दिया है। यहां दूसरा तरीका से बता देते हैं, देखिए क्या करेंगे कि 25 रुपया में खरीद रहे हैं, 64 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना रुपया का हमें लाभ हुआ, यानी कि 64 में से हमें 25 घटाना होगा, तो घटाते हैं, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 होगा, यहाँ 5 हो गया, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 39 रुपया का हमें लाभ हो रहा है, कितना पर, 25 पर, तो 39/25 और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे हमें गुना करना होगा, यानी कि ये आपका प्रतिशत लाभ हो जाएगा। अब इसको सिर्फ सोल्व हमें करना है, तो 25 चौके 100 और 39 × 4 करेंगे, मतलब इतना परसेंट हो जाएगा, तो 39 चौके 156, यानी कि 156% का प्रॉफिट हुआ। तो ये ऑप्शंस नंबर कितना था, सी नंबर ऑप्शंस। तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते थे, ये आपका मेथड सेकेंड हुआ और ये आपका मेथड फर्स्ट था, तो जिस तरीका से चाहे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, 147 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए 147 नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका ये होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया,
उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे जीरो का नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। टीवी का लागत मूल्य है जो प्रत्येक रेडियो का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रेडियो का क्रय मूल्य कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि 100 रुपया है। यहां सबसे पहला लाइन हम ये लिख देते हैं, माना कि एक रेडियो का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ये हमने खुद अपने मन से माना है, यहां लिख देते हैं माना है, या इंग्लिश में आप लेट भी लिख सकते हैं। 100 रुपया हमने माना कि एक रेडियो का क्रय मूल्य है। अब क्वेश्चन में दिया है कि 6 रेडियो 20% के नुकसान पर बेच देता है, तो पहले 6 रेडियो कितना में खरीदा होगा जो हम निकाल लेते हैं। तो एक रेडियो का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 6 रेडियो का क्रय मूल्य कितना हुआ, 6 रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा, एक रेडियो का 100 रुपया तो 6 रेडियो का 600 रुपया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यहां पर 6 रेडियो को उसने 20% नुकसान पर यानी 20% के लॉस पर, 20% की हानि पर बेचा, तो ये 6 रेडियो का हम विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। 6 रेडियो का विक्रय मूल्य निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया है 20% के लॉस पर यानी कि 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है। तो 600 रुपया में खरीदे थे 6 रेडियो और 80% पर बेच रहे हैं, यानी कि 600 का 80% कितना हुआ, तो परसेंटेज से 2 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 60 × 8 तो 480, डेट मीन्स ये 480 रुपया हुआ जो 6 रेडियो का विक्रय मूल्य हुआ। यहां हम लिख देते हैं ये आपका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहने का मतलब विक्रय मूल्य। 6 रेडियो को हमने 20% के नुकसान पर कितना में बेचा था, 480 रुपया में बेचा था। अब यहां पर यह भी हम निकाल लेते हैं कि ये 6 रेडियो पर हमें कितना रुपया की हानि हुई है। ये हम अगर सिर्फ लॉस निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 6 रेडियो का, 600 रुपया, तो यहां पर 20% का हमें लॉस हुआ है, तो 600 का 20% हम निकालेंगे। 600 का 20% डेट मीन्स यहां परसेंटेज से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो 60 × 2 यानी कि 120। तो 120 रुपया का हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। 120 रुपया का नुकसान हुआ है। नुकसान कहने का अर्थ हुआ कि हमें लॉस हुआ है यानी कि हानि हुई है। लॉस को ही आप हानि या नुकसान बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है कि उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे जीरो का नुकसान हो। इसका कहने का मतलब हुआ कि लाभ और हानि की राशि बराबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं डेट मीन्स यानी कि अर्थात लाभ जितना है उतना ही हानि है। हम बोल सकते हैं लाभ बराबर क्या है, हानि। और यहां पर देखिए हानि कितना है, हानि हमने निकाल दिया 120 रुपया का नुकसान, मतलब 120 रुपया की हानि हो रही है 6 रेडियो पर। तो यहां पर ये 120 है, तो ये लाभ भी आपका कितना 120 होगा, यानी कि लाभ और हानि दोनों कितना हो गया, 120 रुपया का हुआ ना। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का 3 गुना है। टीवी का लागत मूल्य, लागत मूल्य कहने का मतलब क्रय मूल्य। तो यहां पर देखिए हम ये निकालते हैं, ये टीवी लिख देते हैं और टीवी का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य कितना है, तो क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। मतलब एक रेडियो का मूल्य 100 रुपया है, तो 100 का 3 गुना यानी कि 300 रुपया। तो हम बोल सकते हैं कि एक टीवी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 रुपया है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चंस में क्या पूछा है, उस लाभ को ज्ञात करें, लेकिन ऑप्शंस में दिया है परसेंटेज में यानी कि उस लाभ प्रतिशत को ज्ञात करें, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर देखिए लाभ कितना है 120 रुपया का, और क्रय मूल्य कितना है टीवी का, तो 300 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, आप जानते हैं यहां देखिए हम निकाल सकते हैं शॉर्टकट में, या क्या करें कि इतना हम चाहे तो मिटा सकते हैं, इधर ये हम मिटा देते हैं और इतना में हम आपको बनाकर बता सकते हैं। देखिए लाभ परसेंट बराबर सभी लोग जानते हैं, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये आपका परसेंटेज में इतना होता है लाभ परसेंट बराबर। तो 120 रुपया का लाभ हो रहा है कितना पर, 300 पर। तो 120 बटे 300 और गुने 100 करेंगे। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो 00 हम कैंसिल कर देते हैं और 40 + 20 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 40 × 1 तो 40% का लाभ हुआ। ये 40% कौन सा ऑप्शन में दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर है 147, ऑप्शन नंबर पहला में ए नंबर ऑप्शन में दिया है 40%, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपया में 6 की दर से बेचे जाते हैं, हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक वस्तु का क्रयमूल और एक वस्तु का विक्रयमूल का रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखते हैं और इसका रेशियो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। रुपया बटा वस्तु करने पर एक वस्तु का मूल्य निकल कर आ जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा है 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं, 40 रुपया में 8 की दर से यानी कि 40/8। एक वस्तु का मतलब एक पेन का क्रयमूल कितना हुआ, 40/8 यानी कि 5 रुपया। उसी प्रकार से आगे लिखा है और 40 रुपया में 6 की दर से बेचे जाते हैं। रुपया बटा वस्तु करना है, 40 रुपया है और 6 वस्तु है यानी कि एक पेन का विक्रयमूल 40/6 रुपया हुआ। अब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां पर देखिए हम चाहे तो ये 40 और 40 को कैंसिल कर सकते हैं, एक बार में कैंसिल हो जाएगा ना, यहां पर एक आप लिख सकते हैं और ये यहां पर आप ये भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 8 और 3 × 6। अब 1 × 3 तो यहां पर 3 हो जाएगा, उसके बाद अनुपात 4 × 1 तो 4 हो जाएगा, 3:4 यानी कि यहां देखिए कि 3 रुपया में खरीद रहे हैं, 4 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का हमें प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपया पर, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे गुना करना होगा। ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट हुआ यानी कि प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहां पर ये 1/3 का मतलब सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, 33.1% 1 × 100 तो 100/3 यानी कि 33.1% का प्रॉफिट, या डेसिमल में लिखेंगे तो 33.33% का लाभ। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 148। यहां पर आपका 148 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 33.33% लाभ, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 नंबर, 149 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदे जाते हैं और 2 रुपया प्रति नग की दर से बेचे जाते हैं, यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्रयमूल और विक्रयमूल का हमें रेशियो वैल्यू निकाल लेना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदे जाते हैं, 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से मतलब 1 दर्जन चॉकलेट 10 रुपये में खरीदा जाता है, तो 10 दर्जन चॉकलेट 10 × 10 यानी कि 100 रुपये में खरीदा जाएगा। तो 10 दर्जन चॉकलेट का क्रयमूल 10 × 10 यानी कि 100 रुपया हुआ। और आगे क्वेश्चन में ये लास्ट में लिखा है कि यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करने पड़े, तो 50 रुपया जो खर्च उसको करना पड़ा है तो वहां पर ये क्रयमूल में ये ऐड हो जाएगा, क्रयमूल में हम इसे जोड़ना होगा यानी कि +50। तो ये 10 × 10 100 + 50 यानी कि 150 रुपया आपका लागत मूल्य यानी कि क्रयमूल हुआ। और क्वेश्चन में ये बोला है कि और 2 रुपया प्रति नग की दर से बेची जाती है, प्रति नग कहने का मतलब हुआ कि एक वस्तु 2 रुपये में बेचा जाता है, तो टोटल कितना 10 दर्जन चॉकलेट है यानी कि एक चॉकलेट 2 रुपये में बेचा जाता है और टोटल 10 दर्जन चॉकलेट है। 10 दर्जन कहने का मतलब 10 × 12, 1 दर्जन में 12 चॉकलेट तो 10 दर्जन में 10 × 12 यानी कि 120 चॉकलेट। तो एक चॉकलेट 2 रुपये में बेचा जाता है तो 120 चॉकलेट यानी कि 120 × 2 यानी कि 240 रुपये में बेचा जाएगा। यहां पर ये 240 हम लिख देते हैं। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 5 × 15 8 × 24 यानी कि 5:8 हो गया। 5 को आप चाहे तो 100 बना सकते हैं, 5 में हम 20 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 8 में भी 20 से गुना करना होगा यानी कि 100 रुपया है क्रयमूल और 160 रुपया है विक्रयमूल। तो 160 100 से 60 ज्यादा है यानी कि 60% का प्रॉफिट हुआ यानी 60% प्रॉफिट 60% लाभ। कौन सा ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन नंबर है 149, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है ए में, पहला ऑप्शन में दिया है 60% का लाभ, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, एक व्यक्ति 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है,
पैतालीस रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। तो पहले आपको लाभ निकालना होगा कि एक सेब बेचने पर कितना रुपया का लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम क्रय मूल्य निकाल देते हैं कि एक सेब हम कितना रुपये में खरीदे हैं। जो हम निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है चौतीस रुपये में आठ की दर से सेब खरीदता है। रुपया बटा वस्तु करेंगे, चौतीस रुपया है, आठ सेब है, तो चौतीस बटा आठ कहने का मतलब क्या हुआ, सत्रह दूनी चौतीस, चार दूनी आठ, सत्रह बटा चार। सत्रह बटा चार को आप अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या होगा, चार चौके सोलह, चार पूर्णांक एक बटा चार, और एक बटा चार का मतलब क्या होता है, 25% यानी कि 0.25, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4.25, चार रुपया 25 पैसा में हम एक सेब खरीदे हैं। उसी प्रकार से हम एक सेब का विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। 57 रुपये में 12 की दर से, रुपये बटा वस्तु करना है यानी कि 57 बटे 12, तो 4 तिया 12, 19 तिया 57, 19 बटा 4, 19 बटा 4 को हम लिखेंगे इस तरह से, 4 चौके 16, 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 बचेगा यानी कि 3 और बटे 4, 4 पूर्णांक 3 बटा 4, 3 बटा 4 का मतलब क्या होता है, 75% यानी कि 0.75। तो इसे हम लिखेंगे 4 रुपया 75 पैसा में एक सेब बेचता है। अब यहां पर से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट कहने का अर्थ हुआ कि लाभ हम अब निकाल लेते हैं। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4 रुपया 75 पैसा में से आपको 4 रुपया 25 पैसा घटा देना है। तो ये आपका 0.50 यानी कि आधा रुपया, यानी कि 50 पैसा हम बोल सकते हैं, 50 पैसा को ही हम 1/2 यानी कि आधा रुपया भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक सेब बेचने पर 50 पैसा का लाभ होता है, यानी कि आधा रुपया का लाभ हुआ, ये हम बोल सकते हैं 50 पैसा यानी कि हाफ रुपया का लाभ होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 45 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। हमें क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि 45 रुपया का शुद्ध लाभ हमें प्राप्त करना है, तो कितना सेब हमें बेचना होगा। यानी कि अब इसको देखिए, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आधा रुपया का हमें लाभ होता है एक सेब को बेचने पर, तो एक रुपया का हमें लाभ होगा कितना सेब बेचने पर, तो हम बोल सकते हैं ये 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा ना, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/1 × 2, तो हम बोल सकते हैं कि दो सेब बेचने पर 1 रुपया का लाभ होगा, या 1 रुपया लाभ होगा 2 सेब बेचने पर। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में 45 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करना है, आपसे पूछा है कि 45 रुपया का हमें लाभ प्राप्त करना है तो कितना सेब बेचना होगा। तो देखिए, 1 रुपया का लाभ होता है 2 सेब बेचने पर, तो 45 रुपया का लाभ होगा 45 × 2 यानी कि 90 सेब बेचने पर। तो ये 90 सेब कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 90, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने यहां जो किया है ये बेसिक से किया है, ये हम बेसिक से किए हैं यूनिट्री मेथड से। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे कि एक सेब बेचने पर आधा रुपया का लाभ हो रहा है, मतलब यहां देखिए एक सेब है तो आधा रुपया है, यानी कि हाफ रुपीज तो 1 एपल, यानी कि हम बोल सकते हैं इस तरह से शॉर्टकट में बोल सकते हैं, देखिए हाफ रुपीज यानी कि आधा रुपया का लाभ होता है एक सेब को बेचने पर, इस तरह से हमने शॉर्टकट में यहां लिखा है आधा रुपया का लाभ होता है एक सेब बेचने पर। तो आपसे पूछा है कि 45 रुपया का लाभ होगा कितना सेब बेचने पर, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहां एक सेब है तो एक का यहां पर आधा है, तो यहां पर 45 है, तो यहां पर क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये इस तरह से आप कर सकते हैं कि यहां आधा रुपया है तो यहां एक सेब है, मतलब आधा का दुगना एक है, आधा का डबल एक है, ये भी बोल सकते हैं, तो 45 का दुगना मतलब 45 का डबल कितना होगा, 90 होगा। तो इस तरह से यहां 45 × 2 यानी कि 90, तो
तो 90 सेव आप आंसर दे सकते हैं कौन सा ऑप्शंस, तो ऑप्शंस नंबर एक, ये हुआ आपका शॉर्टेस्ट अप्रोच, यानी कि शॉर्टकट में आपको इसी तरह से करना है और बेसिक इस तरह से आप कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, यहां पर एक तरह से रेशियो कंसेप्ट ही अप्लाई कर रहे हैं कि यहां पर हाफ है तो यहां पर एक है, मतलब इसका ये डबल है, देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है मतलब दुगना हो रहा है, तो यहाँ 45 का भी क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, तो 45 दुनी 90 इस तरह से आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 151 नंबर, एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 रुपया के दर पर बेचता है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत प्रश्न में पूछे तो क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल करके उस क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं, यानी कि एक वस्तु का क्रयमूल और एक वस्तु का विक्रयमूल निकाल लीजिए और उसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वही काम हम करने जा रहे हैं, एक वस्तु का क्रयमूल और एक वस्तु का विक्रयमूल निकालेंगे और उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, एक दर्जन पेंसिल का मतलब हुआ कि 12 पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, तो एक पेंसिल 25/12 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस क्रयमूल 25/12 रुपया हुआ। उसी प्रकार से क्वेश्चन में आगे लिखा है और 5 पेंसिलों को 12 रुपया के दर पर बेचता है, यानी कि 5 पेंसिल 12 रुपया में बेचता है, तो एक पेंसिल 12/5 रुपया में बेच रहा है, यानी कि एक पेंसिल का विक्रय मूल 12/5 रुपया हुआ, रुपया हम नहीं लिखते हैं, 12/5 रुपया है एक पेंसिल का विक्रय मूल और 25/12 रुपया है एक पेंसिल का क्रय मूल। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 25 गुना ये 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा और ये 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो 125 रुपया में खरीद रहे हैं और 144 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो कितना रुपया का हमें लाभ हुआ, तो 25 15 40 और 4 और 44 होगा तो 15 4 19, यानी कि 19 रुपया का हमें लाभ हो रहा है, कितना पर, 125 रुपया पर, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे हमें गुना करना होगा, इतना परसेंट का क्या हुआ लाभ, ये आपका प्रतिशत लाभ निकल कर आ जाएगा। अब इसे सोल्व करना है तो 25 से 25 चौके 100 और 19 चौके 76/5, यानी कि ये आपका कितना हो गया 76/5%, और इसे पूर्णांक में अगर जो करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/5 75 होता है, यानी कि 15 पूर्णांक 1/5%। अगर इसको हम डेसिमल में करना चाहे तो डेसिमल में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आप भाग दे सकते हैं या यहां से भी कर सकते हैं, तो भाग देने से अच्छा है कि ऊपर नीचे 200 गुना कर देंगे, नीचे 200 गुना करेंगे तो 5 दुनी 10 हो जाएगा, ऊपर 200 गुना करेंगे तो 76 दुनी कितना हो जाएगा, 6 दुनी 12 का 2 बाकी 1, 7 दुनी 14 1 15 152 और 152/10 मतलब यहां पर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 76/5 कीजिएगा तो पॉइंट में आपका 15.2 होगा, यानी कि 15.2% का लाभ। अब ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर है 151, तो यहां पर 15.2% का लाभ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 152 और क्वेश्चन नंबर 154, ये दोनों क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, दैट मीन्स दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका सेम है और यहां पर एक ही साथ दोनों क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन बताएंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज हम पढ़ देते हैं। सबसे पहले 152 नंबर क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए क्या लिखा गया है, एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपया के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे, 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा। और क्वेश्चन नंबर 154 का लैंग्वेज देखिए, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपया में 2 फल की दर से खरीद लिए, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। तो दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज
सेम है, मतलब इसका मीनिंग सेम ही निकलेगा। तो कोई भी एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 154 को ही स्क्रीन पर रखते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं। 152 नंबर भी आपने देख लिया, दोनों क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग सेम निकल रहा है। तो सबसे पहले यहां देखिए क्वेश्चन में लिखा है, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा, यानी कि 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा कुछ संतरा, तो कुछ को हम यहां 1 मान सकते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 1 रुपया में 3 की दर से, रुपया बटा वस्तु करेंगे तो 1 रुपया में 3 की दर से, मतलब ये आपका 1 संतरा का कैनल हुआ। और क्वेश्चन में बोला है और भी खरीदता है किस प्रकार से, तो क्वेश्चन में बोला है कि और कुछ संतरे 1 रुपया में 2 की दर से खरीद लिया, और यहां लिखा था लैंग्वेज में और 1 रुपया के बराबर रुपये में 2 संतरा खरीदा, मतलब एक तो ये शुरुआत में खरीदा है और फिर से कुछ संतरा खरीद रहा है, तो उसको भी हम रेशियो में यानी कि यूनिट में 1 यूनिट मान लेते हैं। एक संतरा फिर से खरीद रहा है, कैसे खरीदता है, तो यहां लिखा है 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरा खरीदता है, मतलब हम बोल सकते हैं 1 रुपये में 2 संतरा खरीदता है। और यहां भी 154 नंबर में भी लैंग्वेज लिखा है कि 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, यानी कि 1/2 आपका इस तरह से हो जाएगा, 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रहा है। तो 1 और 1 2 संतरा का ये आपका टोटल क्रैमुल हो जाएगा रेशियो में, और यहां पर ये आपका क्या हो गया, क्रैमुल हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा अगर जो सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, ये 1/3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, सोल्व इसको करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2 + 3 = 5 और नीचे 3 × 2 = 6, यानी कि 5/6 रुपये आपका ये 1 और 1 मतलब 2 संतरा का क्रैमुल हुआ। 2 संतरा का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो 5/6 रुपया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120% पर बेचना होगा, यानी कि ये 2 संतरा का अब हम क्या कर रहे हैं, विक्रयमूल निकाल लेते हैं, 2 संतरा का विक्रयमूल क्या हो जाएगा, तो 20% के लाभ पर हमें बेचना है तो 120% पर बेचना होगा, तो क्रयमूल का 120% यानी कि 5/6 का 120%, तो 5/6 × 120/100 हो जाएगा ना। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 6 + 6 = 12, उसके बाद और भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 × 2 और ये 5 × 10 कैंसिल हो जाएगा ना, और भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/1 कहने का मतलब 1 रुपया। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 संतरा बेचता है 1 रुपया में, यहां लिख देते हैं कि 2 संतरा का सेलिंग प्राइस यानी कि 2 संतरा का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, तो 1 संतरा कितना में बेचेगा, 1/2 रुपया में बेचेगा, यानी कि 1 संतरा का विक्रय मूल्य 1/2 रुपया हुआ। तो 1 दर्जन यानी कि 1 दर्जन के बारे में आपसे पूछा है, 1 दर्जन कहने का मतलब हुआ कि 12 संतरा का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 12 संतरा का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 संतरा 1/2 रुपया में बेचता है तो 12 संतरा 6 रुपया में बेचेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 6 रुपया प्रति दर्जन उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 6 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन संतरा 6 रुपया में बेचेगा, कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 152 का देखते हैं, तो ये 6 रुपया ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 152 का ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6 रुपया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 154 का कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 154 का भी यहां पर सेम ऑप्शन वही है, यहां भी डी नंबर ऑप्शन में दिया है 6 रुपया। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 152 नंबर और 154 नंबर दोनों क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन डी है उसी में 6 रुपया दिया है, तो आपका ऑप्शन भी जो दिया है आंसर वो सेम है और क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो भी सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर 152 हमने बता दिया, 154 भी बता दिया, अब इसके बीच में जो एक क्वेश्चन छूट गया वो 153 नंबर है, 153 हम बताएंगे, उसके बाद 154 तो हो चुका, अब उसके बाद 155 बताएंगे, यानी कि 153 नंबर हम बताएंगे, फिर इसके अगला कितना बताएंगे, 155 नंबर, 153 के बाद 154 तो हो चुका है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153 नंबर। एक लड़का 16 रुपया प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपया प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, तो एक अंडा का क्रय मूल्य और एक अंडा का विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे और उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक अंडा का क्रय मूल्य और एक अंडा का विक्रय मूल्य निकालेंगे और उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्वेश्चंस में लिखा है कि एक लड़का 16 रुपया प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है। रुपया बटा वस्तु करने पर आप एक वस्तु का मूल्य कैलकुलेट कर लेते हैं तुरंत। तो यहाँ पर लिखा है 16 रुपया प्रति 18 अंडा, यानी कि 16 रुपया है और प्रति 18 अंडा है, यानी कि 18 अंडा का क्रय मूल्य 16 रुपया है। तो एक अंडा का क्रय मूल्य 16 बटा 18 रुपया हुआ। उसी प्रकार से आगे क्वेश्चंस में बोला है कि और उन्हें 20 रुपया प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है। रुपया बटा वस्तु करना है, तो यहां पर 20 रुपया है और 22 अंडा है, यानी कि 22 अंडा का विक्रय मूल्य 20 रुपया है। तो एक अंडा का विक्रय मूल्य 20 बटे 22 रुपया हुआ। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पर कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करेंगे। ये देखिए 8 दुनी 16 और 9 दुनी 18 और ये 10 दुनी 20, 11 दुनी 22 और अब और भी कैंसिल हो रहा है। ये देखिए 4 दुनी 8 और ये 5 दुनी 10। अब इसके बाद कैंसिल नहीं हो रहा है तो गुना कर देते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं। 4 गुना 11 मतलब 44 हो गया, अनुपात 9 गुना 5 तो 45, यानी कि 44 रुपया में खरीद रहे हैं 45 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का हमें लाभ हो रहा है। कितना पर? तो 44 पर। तो 1 बटा 44 और भीम को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हमें गुना करना होगा, तो इतना परसेंट का क्या हुआ? लाभ, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? तो 1 बटा 44 गुना 100। कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 11 चौके 44 और 25 चौके 100, तो 25 बटा 11%। और इसको अगर जो हम पूर्णांक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 11 दुनी 22 और 25 में से 22 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 3 और बटे 11, दैट मीन्स 2 पूर्णांक 3 बटा 11%। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 153। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25 बटा 11% लाभ, डायरेक्ट आपका यही दे दिया है, यानी कि 25 बटा 11% लाभ। तो ऑप्शन नंबर कितना? सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का डायरेक्ट मतलब यही आपका आंसर हो गया, यानी कि डेसिमल में भी नहीं किया है, पूर्णांक में भी नहीं किया है। तो 153 हमने बता दिया और इसके बाद 153 बता दिया था, तो यहां पर 152 हमने जब बताया था तो उस समय 154 बताया था, तो 152-54 हमने ऑलरेडी बता दिया है। 152 के बाद ये 153 हमने अभी बताया और 154 आपका हो चुका। अब बचा 155 नंबर, तो 155 नंबर भी यहां पर हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 क्या है? क्वेश्चन नंबर 155, दो पेंसिल 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपया है तथा 8 पेन 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपया है, 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले यहां हम ये मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत बना सकते हैं। जब हम ये मान लेंगे कि देखिए क्वेश्चन में लिखा है, क्या पूछा है आपसे? 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य बताइए। तो 3 पेंसिल, तो पहले एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं कितना है, एक पेंसिल का मूल्य हम मान लिए कि कितना है, 1 रुपया है। उसी प्रकार से आगे है, 3 पेंसिल के बारे में पूछा है, फिर 3 पेन के बारे में पूछा है, तो यहां पर ये भी हम मान लेंगे कि एक पेन का मूल्य कितना है, ये 2 रुपया है। उसके बाद रबड़ है, 3 रबड़ का मूल्य भी बताना है, तो एक रबड़ का मूल्य ये हम मान लेते हैं कितना है, एक रबड़ का मूल्य 1 रुपया है। अब इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, दो पेंसिल, तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो दो पेंसिल का मूल्य 2x रुपया हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 पेन, तो एक पेन का मूल्य 2 रुपया, तो 4 पेन का मूल्य 4 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 8 रबड़, तो एक रबड़ का मूल्य कितना है, 1 रुपया,
तो 8 रबड़ का मूल्य 8 गुना जेड यानी कि 8 जेड रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में लिखा है 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपया है, मतलब ये टोटल कितना है, तो ये आपका 12 रुपया के बराबर है। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे क्वेश्चंस में लिखा है कि तथा 8 पेन 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपया है। तो यहां देखिए एक्स किसका हमने माना है, एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया माना है, तो यहां पर 10 पेंसिल है तो 10 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 10 रुपया। उसके बाद यहां देखिए बाई हमने पेन का यानी कि एक पेन का मूल्य 2 रुपया माना है, तो कितना 8 पेन है, तो 8 पेन का मूल्य कितना 8 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद कितना 4 रबड़ है, तो 1 रबड़ का मूल्य 1 रुपया, तो 4 रबड़ का मूल्य 4 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 10 पेंसिल 8 पेन और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपया है, मतलब ये कितना 36 रुपया के बराबर है। ये हुआ आपका इक्वेशन सेकेंड। अब यहां देखिए आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है कि 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर जो पूछा है हम इधर लिख देते हैं, 3 पेंसिल तो 1 पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो 3 पेंसिल का मूल्य 3 1 रुपया होगा। 1 पेन का मूल्य 2 रुपया, तो 3 पेन का मूल्य 3 2 रुपया होगा। 1 रबड़ का मूल्य 1 रुपया, तो 3 रबड़ का मूल्य 3 1 रुपया होगा। तो ये किसके बराबर होगा, मतलब 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम जोड़ रहे हैं, तो ये 10x और 2x, तो 12x हो जाएगा, प्लस 8y प्लस 4y, तो 12y हो जाएगा, फिर 4z प्लस 8z, तो ये 12z हो जाएगा, और बराबर 12 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 48। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हमने जोड़ा है, क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हमने जोड़ा है। तो यहां देखिए क्या हमसे पूछा है, 3x प्लस 3y प्लस 3z का वैल्यू, यानी कि यहां पर हमें 3 चाहिए, 12 के स्थान पर हमें 3 चाहिए, तो यहां पर 3 हमें चाहिए, तो क्या करना होगा कि हमें इसमें 4 से भाग दे देना होगा। यानी कि जब हम दोनों तरफ 4 से भाग देंगे, एक तरफ 4 से भाग देंगे तो दूसरे तरफ भी 4 से भाग देना होगा, यानी कि बराबर के दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, यानी कि अब अलग अलग हो जाएगा 12x/4, तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 12y/4, तो 3y हो जाएगा, प्लस 12z/4, तो कितना 3z हो जाएगा, और 48/4 का मतलब कितना हो जाएगा 12। तो हम बोल सकते हैं कि 3x+3y+3z का वैल्यू कितना हो गया 12 रुपया। मतलब यही तो आपसे पूछा था कि 3 पेंसिल और 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना हुआ, तो 12 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 155, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 155 भी हमने बता दिया, 152 और 154 को एक ही साथ बताया था, दोनों सेम वेराइटी का क्वेश्चन था, सेम मीनिंग निकल रहा था दोनों का, और आंसर भी सेम आया था, 152 154 हो गया था, 152 के बाद 53 भी आपका हो गया, 53 के बाद 154 भी हो गया और 155 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर के बाद 156 नंबर हम आगे बताते हैं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 नंबर, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हम बेस्ट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, क्या करना है, इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है। तो देखिए पहले कंसेप्ट बता देते हैं, रुपया बटा वस्तु तो आपको करना है, रुपया बटा वस्तु आपको करना है, दो स्टेटमेंट दिया है, तो बराबर के दोनों तरफ हम ये लिख देते हैं रुपया बटा वस्तु, यानी कि ये सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पर क्या लिखना है नीचे में, यानी कि जो आपका वस्तु है तो यहाँ पर ही आपको हर में क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज लिखना है, यानी कि विक्रय मूल्य का क्या लिखना है, प्रतिशत लिखना है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 156 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच यानी शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या है, जो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में लिखा है 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो रुपया बटा वस्तु करना है, यानी कि 160 रुपया है और 90 चॉकलेट है, रुपया बटा वस्तु यानी कि 160 रुपया है और वस्तु यानी कि 90 चॉकलेट है। तो क्वेश्चन में बोला है 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है, 20% हानि का मतलब हुआ कि 80% पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत 80% हुआ, तो यहाँ विक्रय मूल्य का परसेंटेज लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको 80% लिखना है।
उसके बाद नेक्स्ट यानी कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जैसे हमने किया तो राइट हैंड साइड भी उसी प्रकार से करना है। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा है क्या 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचना चाहिए, रुपया बटा वस्तु करना है तो 96 और बटे यहां पर कितनी चॉकलेट चाहिए, तो यहां व्हाट लिख देते हैं, तो उसे 20% का लाभ होना चाहिए यानी कि 120% पर बेचना है उसको, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का जो परसेंटेज हुआ 120% हुआ, 20% लाभ का मतलब 120% पर बेच रहे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे 120%। अब इसके बाद इसे सोल्व करना है तो यहां परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 40 × 80 40 × 3 = 120 और भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां सिंगल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद ये कैंसिल कर सकते हैं, 16 × 16 और 16 × 6 = 96 और 3 × 3 3 × 2 = 6। इसके बाद अब क्रॉस आपको सिर्फ गुना कर देना है, 1 × व्हाट × 1 तो ये व्हाट हो जाएगा और 9 × 2 × 2 यानी कि कितना हो गया, तो 9 × 18 × 36 दैट मीन्स ये आपका 36 चॉकलेट क्या हुआ, 36 चॉकलेट। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है कितना, क्वेश्चन नंबर है 156, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है 36 यानी कि 36, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157 नंबर, 157 नंबर क्वेश्चन है, विकास 4 रुपया के 5 केले खरीदता है और 5 रुपया में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 1 केला का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे और 1 केला का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है विकास 4 रुपया में 5 केला खरीदता है, तो यहां पर 1 केला का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, रुपया बटा वस्तु करेंगे यानी कि 4 रुपये में 5 केला खरीदता है तो 4/5 रुपया 1 केला का क्रय मूल्य हुआ। उसी प्रकार से लिखा है आगे और 5 रुपये में 4 केला बेचता है तो रुपया बटा वस्तु करेंगे यानी कि 5 रुपये में 4 केला बेचता है तो 1 केला का विक्रय मूल्य 5/4 रुपया हुआ। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ क्रॉस गुना कर देते हैं, 4 × 4 तो ये 16 हो जाएगा और 5 × 5 तो 25, 16 रुपया क्रय मूल्य तो 25 रुपया विक्रय मूल्य यानी कि 9 रुपया का हमें लाभ हो रहा है, कितना पर, 16 पर, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हमें गुना करना होगा यानी कि ये आपका प्रतिशत लाभ निकल कर आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो 4 × 16 25 × 100 तो 25 × 9 यानी कि 225, तो 225/4 225/4% का लाभ हो रहा है, इसको चाहे तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 4×5 = 20 हो जाएगा, फिर 4×6 = 24 एक शेष बचेगा तो 1/4 यानी 56% 1/4%, या इसको हम डेसिमल में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, 56 और 1/4 का मतलब 0.25 होता है तो 56.25% का प्रॉफिट हुआ यानी 56.25% का लाभ। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 157, तो ये आपका ऑप्शंस नंबर डी में दिया है 56.25%, तो ऑप्शंस नंबर डी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 158, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए 158 नंबर, एक आदमी 3 रुपया के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपया में 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है तो 1 संतरा का क्रय मूल्य और 1 संतरा का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे 1 संतरा का और उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है एक आदमी 3 रुपया के 10 संतरे खरीदता है, 3 रुपया के 10 संतरा खरीदता है, रुपया बटा वस्तु करेंगे 3 रुपया के 10 संतरा खरीदता है, मतलब 1 संतरा का क्रय मूल्य 3/10 रुपया हुआ। और क्वेश्चन ने बोला है कि 3 रुपया में 8 के हिसाब से बेचता है यानी कि 3 रुपया में 8 संतरा बेचता है तो 1 संतरा का विक्रय मूल्य 3/8 रुपया हुआ। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, एक बार में आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, 1 × 3 × 3 और भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 8 और ये 5 × 10 क्रॉस गुना कर दीजिए, 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, फिर अनुपात 5 × 1 तो 5 यानी कि 4 को हम 100 भी बना सकते हैं, तो 4 में हम 25 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 5 में भी 25 से गुना करना होगा यानी कि 100 आपका क्रय मूल्य है और 25 × 5 तो 125 भी क्रय मूल्य है, तो 125 है जो 100 से 25 ज्यादा है तो 25% का लाभ हुआ। 25% लाभ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन नंबर
बी में दिया है 25%, तो ऑप्शन नंबर बी स्किप सेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अब 158 नंबर के बाद 159 से आपका नेक्स्ट टाइप यानी मिसलेनियस आपका स्टार्ट है, मतलब ये जो आपका टाइप 7 चल रहा था, टाइप 7 आपका समाप्त हुआ, टाइप 7 आपका पूरा हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 8। टाइप 8 जो दिया है क्वेश्चन नंबर 159 से और लास्ट आपका कितना है 169 नंबर 169 तक, ये आपका विविध प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। विविध प्रश्न कहने का मतलब ये आपका मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 158 के बाद क्वेश्चन नंबर 159 देखिए। 159 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है, उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपया पड़ती है। तो यहां पर आप चाहे तो एक कंसेप्ट जो हमने बताया है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो रिलेशन होता है उसका यूज करके बना सकते हैं, या विक्रय मूल्य को बराबर करके भी आप बना सकते हैं। तो मेथड फर्स्ट देख लीजिए इसका, विक्रय मूल्य को बराबर करके हम बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को बराबर करके भी आप बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि लागत मूल्य कितना 500 रुपया पड़ रहा है, तो लागत मूल्य कितना है 500 रुपया, क्रय मूल्य कितना 500 रुपया है, और आप जानते हैं कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पर होती है और प्रतिशत छूट यानी परसेंटेज डिस्काउंट अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क प्राइस पर होता है, यह भी आपको मालूम होगा। तो 500 रुपया आपका क्या है, क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य है, और क्वेश्चन में लिखा है कि 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ का मतलब 108% पर बेच रहे हैं, क्रय मूल्य कितना 500 रुपया है, 8% का लाभ यानी कि 108% पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 500 का 108% आपका ये विक्रय मूल्य हुआ, 500 रुपया क्रय मूल्य 8% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 500 का 108%। और इधर भी हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, तो यहां पर क्वेश्चंस में पूछा है आपसे कि अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, तो अंकित मूल्य को हम अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस एमपी ही रहने देते हैं, और यहां लिखा है कि 20% डिस्काउंट है, 20% का छूट यानी कि 80% पर बेचा जा रहा है, तो प्रतिशत छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 20% डिस्काउंट यानी कि 80% पर बेच रहे हैं, तो अंकित मूल्य का 80%। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि का के स्थान पर हम गुना का चिन्ह लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और ये परसेंट से परसेंट भी हम कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद 4 से कैंसिल कर देते हैं, 27 चौके 108, और यहां 4 से कैंसिल करेंगे तो 20 चौके 80, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर देते हैं, और 1 2 2 और ये 25 2 50, यानी कि अंकित मूल्य गुना 1 डेट मीन्स अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 गुना 27 करना है सिर्फ, तो गुना कर देते हैं, 27 गुना 25 कितना होगा 27 गुना 5, तो 135 का 5 और बाकी 13, फिर 27 गुनी 54 और बाकी 13, तो 54 10 64 और 3 और यानी कि 67, तो 675 रुपया क्या हुआ अंकित मूल्य। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 675 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ये हुआ आपका मेथड फर्स्ट, विक्रय मूल्य को समान करके आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसी का देखिए मेथड सेकेंड, यानी कि आप जानते हैं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो अंकित मूल्य के यानी कि रेशियो में क्या होगा, तो यहां पर होगा 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, यानी कि इस तरह से हम लिखेंगे, और अंकित मूल्य का यानी कि ये हमने लिख दिया, अब क्रय मूल्य का लिखेंगे, तो यहां पर क्या होगा डिस्काउंट वाला यानी कि 100 माइनस जो भी जितना परसेंट डिस्काउंट रहेगा, जितना भी प्रतिशत का छूट रहेगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब इस तरह से 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये क्रय मूल्य का रेशियो में हो जाएगा और अंकित मूल्य का रेशियो में हो जाएगा 100% प्लस लाभ परसेंट। तो क्वेश्चन में दिया है 20% का डिस्काउंट है, 8% का लाभ है, यानी कि ये लाभ के स्थान पर कितना दिया है 8% का लाभ है, और डिस्काउंट की जगह पर कितना दिया है कि 20% का डिस्काउंट है। तो देखिए 100 प्लस 8 यानी कि ये 108% हो गया, और 100 माइनस 20 मतलब ये कितना हो गया, तो ये आपका 80% हो गया,
और इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 27 चौके 108 और ये कैंसिल करेंगे तो 20 चौके 80। अब यहां पर ये तो कैंसिल अब नहीं होगा तो कितना हो गया, 27:20 हो गया अंकित मूल और क्रैमूल का रेशियो। अब क्वेश्चंस में दिया है क्रैमूल कितना है, तो क्वेश्चंस में दिया है कि लागत 500 रुपया पड़ती है, यानी कि ये 20 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 500 रुपया। ये क्वेश्चंस में दिया गया है, गिवन इन द क्वेश्चंस। और आपसे ये पूछा है अंकित मूल यानी 27 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, जो बताइए। तो देखिए यहां पर 20 में हम कितना से गुना करें कि 500 हो जाए, यानी 20 रेशियो का वैल्यू 500, तो 1 रेशियो का वैल्यू 500/20 यानी कि 25 से हमें गुना करना होगा। 20 में जब 25 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार 27 में भी आपको 25 से गुना करना पड़ेगा, तो 27 × 25 करेंगे तो 675 हो जाएगा, मतलब 675 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ये मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल। कौन सा ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस नंबर डी में है 675 रुपया, तो ऑप्शंस नंबर डी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चंस भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए इस क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या लिखा है, रूपर्ट ने 4600 रुपया में एक पुराना टीवी खरीदा, इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए और उसके बाद इसे 5406 रुपया में बेचा, इससे उसे 6% का लाभ हुआ। रूपर्ट ने टीवी ठीक करवाने में कितना खर्च किया, रूपर्ट ने टीवी ठीक करवाने में कितना रुपया खर्च किया, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में ये दिया है कि पुराना टीवी कितना में खरीदता है, पुराना टीवी खरीदता है 4600 रुपया में, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4600 रुपया, पुराना टीवी उसने 4600 रुपया में खरीदा है और उसको ठीक करवाने में कुछ पैसा खर्च हुआ, यानी कि ये लिख देते हैं पुराने टीवी को ठीक करवाने में, पुराने टीवी को ठीक करवाने में कुछ पैसा खर्च हुआ, यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। और उसको ठीक कराने के बाद उसको 6% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 6% के लाभ पर उसको बेच दिया, तो कितना में बेचता है, विक्रय मूल्य भी दिया है 5406 रुपया में उसने बेचा है, 5406 रुपया में उसने बेच दिया है। ये आपका क्वेश्चंस का जो शॉर्ट फॉर्मेट है वो हमने लिख दिया संकेत के रूप में। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 6% लाभ पर बेच रहा है यानी कि 106% पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य का यहां पर से परसेंटेज कितना हो जाएगा 106%, तो 106% का ये वैल्यू कितना हो गया 5406 रुपया, तो 1% का हम वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5406/106 हो जाएगा। और क्रय मूल्य आपका 4600 रुपया है, यानी कि पुराना टीवी को 4600 रुपया में उसने खरीदा है, तो ये आपका जो नेट यानी कि कुल क्रय मूल्य जो होगा, कुल क्रय मूल्य कहने का अर्थ हुआ कि टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि कुल लागत मूल्य भी हम बोल सकते हैं। कुल क्रय मूल्य क्या होगा, तो 4600 रुपया में उसने पुराना टीवी खरीदा है और उसको ठीक करवाने में कुछ पैसा खर्च किया है, तो ये 4600 रुपया में हम वो जोड़ देंगे खर्च, जितना टीवी को ठीक कराने में उसको लगा है जितना रुपया, तो 4600 रुपया में पुराना टीवी खरीदा है और उसको ठीक करवाने में जितना भी रुपया उसने खर्च किया है उसको 4600 में जोड़ना होगा, तो 4600+8 ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि कुल लागत मूल्य कुल क्रय मूल्य हुआ। तो यहां देखिए हम क्रय मूल्य निकाल देते हैं यानी कि लागत मूल्य निकालते हैं, दैट मीन्स लागत मूल्य कहने का मतलब 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 100% का वैल्यू, ये 5406/106×100। अब इसको सोल्व करेंगे तो 53 से ही कैंसिल करते हैं, 53×106 और यहां 50×100 यानी कि दो बार से कैंसिल किए हैं, 53×106 50×100। अब 53 से इसको कैंसिल करते हैं, 53×53 फिर 1 और फिर 0 देंगे तो ये 06 हो जाएगा, फिर 53×106 102×50 आपको करना है, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो फाइनल क्रय मूल्य है यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस, ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आ गया, तो यहां हम लिख रहे हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, देखिए 102×50 कर देते हैं, पहले ये 0 और 5×10 उसके बाद 1×5 यानी कि 5100 रुपया आपका कुल क्रय मूल्य है, यानी कि क्वेश्चंस में दिया था 4600 रुपये में उसने पुराना टीवी खरीदा है और कुछ और भी
पुराना टीवी को ठीक कराने में उसको पैसा खर्च किया है, तो ये 4600 में हम जोड़ेंगे, तो ये 4600 प्लस वाट यही आपका 5100 के बराबर है। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 5100 में से 4600 घटा देंगे, दैट मींस कितना बचेगा, तो 500, यानी कि 500 रुपया उसको टीवी को ठीक कराने में लगा था। तो ये 500 रुपया आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है 500 रुपया, क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 500 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 161 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 161 नंबर, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ ये बराबर होगा विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ के, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। यहां पर व्हाट परसेंट, ये आपका क्या है लाभ है, कितना परसेंट लाभ। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ, क्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले ये 20% जो दिया है ये आपका किस पर है, तो विक्रय मूल्य पर है, तो 20% लाभ विक्रय मूल्य पर है, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5, 1/5 का मतलब क्या हुआ कि ये 5 आपका जिस पर है यानी विक्रय मूल्य पर है, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और 1 क्या होगा, तो 1 आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। तो यहां पर आप इसको रेशियो में चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य आपका 5 हो गया, लाभ कितना हो गया रेशियो में, तो लाभ आपका 1 हो गया। तो यहां पर से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यानी कि 5 रुपया आपका क्या है विक्रय मूल्य है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 4 रुपया में हमने उसे खरीदा है, यानी कि 4 रुपया में खरीद रहे हैं, 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। इस तरह से भी सोच सकते हैं जांचने के लिए। तो 4 रुपया आपका क्या हुआ क्रय मूल्य हुआ। अब आपसे पूछा है क्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ होगा, तो यहां पर क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ निकालना है, तो क्या करना होगा आपको, देखिए लाभ तो 1 ही रुपया का हो रहा है, क्रय मूल्य पर पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना 4 है, तो जिस पर पूछेगा उसको आपको बेस में यानी कि आधार में यहाँ नीचे में आपको लिखना है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो सौ से आपको गुना करना है, मतलब इतना परसेंट का लाभ ये किस पर होगा, तो ये आपका क्रय मूल्य पर है, क्योंकि यहां पर हमने जोहर में है क्रय मूल्य लिखा है। और इसको सोल्व करेंगे तो 25 × 100 25 × 1 यानी कि 25%, तो 25% लाभ ये किस पर हुआ, तो ये क्रय मूल्य पर हुआ, यानी कि 25% लाभ क्रय मूल्य पर है। तो यही पूछा था क्रय मूल्य पर 25% लाभ होगा जो विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर हुआ, तो ये व्हाट परसेंट के जगह पर 25% आपका आंसर होगा, यानी कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर होगा। तो यहां पर 25% लाभ कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25%, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 नंबर क्वेश्चन है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने आपको कंसेप्ट बताया है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, तो अंकित मूल्य का जो रेशियो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 100 प्लस लाभ यानी कि 100% प्लस लाभ परसेंट इस तरह से, और ये क्रय मूल्य का क्या रेशियो होगा, तो यहां पर 100 माइनस जो भी डिस्काउंट रहेगा यानी कि छूट रहेगा वो, यानी कि 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा, तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और क्रय मूल्य का रेशियो होगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्वेश्चन में दिया है कि छूट और यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट दोनों ही 20% है, यानी कि ये भी लाभ परसेंट भी 20% है और छूट परसेंट भी 20% है, तो 100 + 20 यानी कि ये 120% आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, और 100 - 20 यानी कि ये 80% आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य हुआ। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद और भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं ये, उसके बाद 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 यानी कि 3:2 हो गया, दैट मीन्स 2 रुपया आपका क्रय मूल्य है, तो 3 रुपया आपका अंकित मूल्य है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 3 रुपया 2 रुपया से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए 3 रुपया है जो 2 रुपया से 1 अधिक है, कितना पर, यानी कि 2 पर,
जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे में लिखते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे हम गुना करेंगे, ये आपका प्रतिशत अधिक निकल कर आ जाएगा। अब सिर्फ इसे सोल्व करना है, तो हाफ इंटू हंड्रेड डेट मीन्स ये 50 बार में कैंसिल होगा तो 50% अधिक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है 50%, क्वेश्चन नंबर है 162, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50%, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हुआ फॉर्मूला मेथड, आप चाहे तो यहां पर मेथड सेकेंड भी कर सकते हैं। ये लिख देते हैं मेथड फर्स्ट है डेट मीन्स फॉर्मूला मेथड, और मेथड सेकेंड यहां पर बता देते हैं, सौ मानकर भी आप बना सकते हैं। यानी कि आपसे पूछा है क्वेश्चन में अंकित मूल क्रयमूल से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल को ही हम मान लेते हैं, अंकित मूल को हमने मान लिया कि अंकित मूल कितना है 100 रुपया है, और अंकित मूल पर दिया जाता है डिस्काउंट परसेंट, तो 20% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कि 100 रुपया अंकित मूल है, 20% का छूट दे रहा है तो 80 रुपये में बेचा जा रहा है। अब विक्रय मूल्य आपका 80 हो गया। इसके बाद यहां ये लिख ही देते हैं कि अंकित मूल्य पर 20% का क्या है डिस्काउंट है, 20% का आपका छूट है, तो इस तरह से विक्रय मूल्य 80 हो गया। अब यहां पर हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो ये क्रय मूल्य पर ही प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होती है, तो 20% का लाभ दिया है, यानी कि क्रय मूल्य पर कितना, ये आपका 20% का क्या है प्रॉफिट है, 20% का लाभ है, तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। विक्रय मूल्य 80 है, 20% का लाभ है, तो देखिए 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% लाभ का मतलब 120% पर बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य का प्रतिशत 120% हुआ, और यहां विक्रय मूल्य कितना है 80, तो 120% का वैल्यू 80 हुआ, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 120% का वैल्यू 80, तो 1% का वैल्यू 80/120 हो जाएगा, और क्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहां पर ये 40 दुनी 80, 40 दिया 120, यानी कि 2 गुना 100, तो 200/3 हो गया। अब यहां पर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहे तो ये 3 है जो ये दोनों में गुना कर देंगे, यानी कि 3 को हमें हटाना है, ये 100/1 है, ये 80/1 है, ये 200/3 है, तो सभी में 3 से हमें गुना करना होगा, यानी कि ये 300 हो जाएगा, और ये 80/3 240 हो जाएगा, और ये यानी कि 200/3 × 3 करेंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल क्रय मूल से कितना परसेंट अधिक है, तो ये देखिए अंकित मूल 300 है और क्रय मूल कितना है, क्रय मूल ये आपका 200 है, अंकित मूल देख सकते हैं 300 है, क्रय मूल कितना 200 है, तो 300 200 से कितना अधिक है, तो ये 100 अधिक है, कितना पर, यानी कि 200 पर, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, मतलब इतना परसेंट अधिक, ये आपका प्रतिशत अधिक निकल कर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, और ये 50 दूनी 100, यानी कि 50% अधिक। इस तरह से भी आप बना सकते थे 100 मानकर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 163 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 163 बताने से पहले 162 नंबर का हमने दो मेथड्स आपको बताया, पहला फॉर्मूला मेथड, दूसरा अंकित मूल को हमने 100 मान लिया था। अब की बार ये तीसरा मेथड हम बता देते हैं, मेथड थर्ड। अब की बार हम क्रय मूल को 100 मानकर भी बना सकते हैं, तो यहां पर क्रय मूल को हम क्या करते हैं, क्रय मूल को हम 100 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि 20% का क्या है, क्वेश्चन में लिखा है 20% का लाभ है, 20% का डिस्काउंट भी है, 20% का प्रॉफिट भी है, तो देखिए 100 रुपया क्रय मूल्य है, 20% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और अंकित मूल्य अब हमें निकालना होगा, तो 20% का डिस्काउंट भी है, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 20% का क्या है डिस्काउंट है, तो देखिए ये हम यहां भी लिख देते हैं कि 20% का क्या था, लाभ था, क्रय मूल्य 100 रुपया, 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य 120 हो गया। अब यहां पर हमें ये अंकित मूल निकाल लेना है कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अंकित मूल अपने आप में 100% होती है, यहां 20% का डिस्काउंट करने का मतलब 80% पर बेचा जा रहा है, और यहां पर 120 में बेचा जा रहा है, तो 80% का वैल्यू 120 हुआ, तो 1% का वैल्यू 120/80 हो जाएगा, तो 120/80 ये 1% का वैल्यू हुआ, अंकित मूल अपने आप में 100% होते हैं, तो 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 40 दुनी 80, 40 दिया
120 और ये 50 दुनी 100, तो 50 दिया 150, मतलब ये कितना हो गया 150। अंकित मूल आपका कितना हुआ 150 रुपया। क्रय मूल कितना है 100 रुपया। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है अंकित मूल क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल कितना 150 है, क्रय मूल कितना 100 है, तो 100 से तुलना जब हम करेंगे तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट अधिक, 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट कम। तो यहां देखिए अंकित मूल 150 है, क्रय मूल 100 है, यानी कि अंकित मूल क्रय मूल से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि 150, 100 से कितना अधिक है तो 50 अधिक है, यानी कि 50% अधिक है, ये डायरेक्ट हम बोल सकते हैं एक ही बार में 50% अधिक है, इस तरह से डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन था, तो क्वेश्चन नंबर 162 का 50% अधिक ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। या आप इस तरह से भी यहां कर सकते थे कि अंकित मूल यानी कि 150 है जो 100 से कितना 50 ज्यादा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं 100 से, तो 100 को नीचे में लिखेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, इस तरह से भी आप लिख सकते थे बेसिक फॉर्मेट में, और ये फिर 100 से 100 एक बार में कैंसिल होगा 50 गुना 1, तो इस तरह से 50% अधिक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बेस्ट अप्रोच है, जैसे चाहे आप बना सकते हैं। यानी कि तीन तरीका हमने आपको बताया, पहला फॉर्मूला मेथड, दूसरा अंकित मूल को 100 मानकर, तीसरा मेथड क्रय मूल को 100 मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं 163 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 163 नंबर। एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल पर 25% की शुरुआती छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल 18,000 रुपया है तो उसका अंकित मूल कितना था। तो देखिए सबसे पहले आपको यह कंसेप्ट ध्यान रखना है जो यहाँ लिख रहे हैं, विक्रय मूल बराबर क्या होता है, तो जो भी अंकित मूल रहेगा, मान लीजिए कि अंकित मूल पर पहला डिस्काउंट D1% का है, तो D1% का डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस D1/100 उतना परसेंट पर बेच रहे हैं, तो यहां लिखेंगे 100 माइनस D1/100। फिर अगला डिस्काउंट भी मान लीजिए कि D2% का है, तो इतना का क्या हो जाएगा 100 माइनस D2/100। मान लीजिए अगला डिस्काउंट भी दिया है D3% का है, तो क्या होगा फिर 100 माइनस D3/100। ये अगला डिस्काउंट मान लीजिए कि अगर D4% का है तो फिर इसमें गुना करेंगे 100 माइनस D4/100, मतलब ये सीरीज लगातार आगे इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। दो डिस्काउंट क्वेश्चंस में दिया है तो यहां तक हम युद्ध करेंगे। क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है अंकित मूल कितना रुपया था, यानी कि ये आपसे पूछा है अंकित मूल कितना था और अंतिम उसका जो विक्रय मूल है वो दे दिया है 18,000 रुपया। ये क्वेश्चंस में दे दिया है कितना है 18,000 रुपया है। पहला डिस्काउंट दिया है क्वेश्चंस में कितना 25% का है, तो 100 माइनस 25/100 यहां लिख सकते हैं, और दूसरा डिस्काउंट कितना दिया है 20% का, तो यहां क्या हो जाएगा 100 माइनस 20/100। तो अब इसको सोल्व करना है सिर्फ, यानी कि ये 18,000 बराबर वाट इंटू 100 माइनस 25/100 यानी कि 75/100 लिखेंगे, फिर गुना 100 माइनस 20/100 यानी कि 80/100। सोल्व करते हैं, 25 × 75, 25 × 100, 20 × 80, 20 × 25, 100, 4 × 4 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, और 1 × 3 और 6 × 3 = 18,000 क्रॉस गुना कर देंगे, या 6000 को 6000/1 भी लिख सकते हैं, मतलब 18000/1 तो 6000/1 हो गया, ये भाट को भाट बटा एक लिख देते हैं समझने के लिए। तो यहां देखिए अब क्या करना है आपको, तिरछे तिरछे गुना कर देंगे, यानी कि 1 × भाट × 1 तो ये आपका भाट हो गया, और 6000 × 1 × 5 यानी कि 6000 × 5 तो 30,000, तो ये 30,000 रुपया आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल हो गया कितना 30,000 रुपया। कौन सा ऑप्शन है 163 का, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में 30,000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 164 नंबर। 120 पेनों का क्रय मूल कॉमा एक्स पेनों के विक्रय मूल के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 120 पेनों का क्रय मूल किसके बराबर है, तो एक्स पेनों के विक्रय मूल के बराबर है, एक्स पेनों के विक्रय मूल के बराबर है, और क्वेश्चन में दिया है तो लाभ कितना 25% का लाभ है, ये भी क्वेश्चन में दिया है 25% का क्या है
लाभ है। अब देखिए यहां पर हम क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल करके यहां रख सकते हैं। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब 25/100 यानी कि 1/4, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 हुआ, तो 4 आपका क्या हुआ क्रयमूल। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जनरली कॉस्ट प्राइस पर होती है, तो 4 आपका क्रयमूल हुआ, 1 क्या हुआ प्रॉफिट यानी कि 1 रुपया लाभ हुआ। रेशियो में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्रयमूल कितना 4, 1 रुपया का लाभ हो रहा है यानी कि विक्रयमूल कितना 4+1 तो 5 हो जाएगा ना। तो यहां पर इसको चाहे तो आप निश्चित राशि में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये तो आपका रेशियो वैल्यू है। निश्चित राशि में लिखेंगे तो मान लीजिए कि के कोई कांस्टेंट है, तो ये 4 के तो ये आपका 5 के हो जाएगा, यानी कि क्रयमूल आपका 4 का मल्टीपल, विक्रयमूल 5 का मल्टीपल। तो यहां पर 120 गुना क्रयमूल का स्थान पर कितना 4 के रख सकते हैं और बराबर x गुना विक्रयमूल का स्थान पर 5 के रख सकते हैं, और सबसे पहले ये k से k कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं अगर जो, तो ये जो हमने निश्चित राशि में कन्वर्ट किया है डेफिनेट वैल्यू में, ये करने की आवश्यकता नहीं थी। 4:5 आपका क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो हुआ, तो डायरेक्ट क्रयमूल की जगह पर 4 रख देंगे, विक्रयमूल की जगह पर 5 रख देंगे, क्योंकि जब निश्चित राशि में हमने 4 के 5 के किया तो k से k कैंसिल हो रहा है ना, इसलिए डायरेक्ट क्रयमूल की जगह पर 4, विक्रयमूल की जगह पर 5 यहां पर हम रख सकते हैं। लेकिन बेसिक्स बनाइएगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं, हमें समझाना है तो दोनों अप्रोच हमने बता दिया। अब इसके बाद कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे 1/5 और ये कैंसिल करेंगे 24/120, एक्स गुना 1 तो एक्स हो जाएगा 24 × 4 तो 24×96, एक्स का वैल्यू कितना हुआ 96, कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर है 164, तो 164 का ऑप्शन नंबर सी में है 96, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया 96 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 165 नंबर, 165 नंबर क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप जैसे चाहे कर सकते हैं, हम इसको बहुत ही डीपली बताने जा रहे हैं, बहुत ही बारीकी से एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप खुद बनाने की कोशिश जरूर कीजिए, अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी है। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या है, एक बुनकर 150 रुपया की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है, दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपया पर बेच सकता तो उसका लाभ परसेंट और ग्राहक का लाभ रुपया में क्या होता। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज था, अब इसको हम जो लैंग्वेज है उसको हम सिंबोलिक फॉर्म में, संकेत के रूप में पहले लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है एक बुनकर 150 रुपया की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है, यानी कि कोई ये बुनकर है, ये कोई बुनकर है जो दुकानदार के यहां बेचता है, कितना में बेचता है तो 150 रुपया में बेचता है, मतलब दुकानदार 150 रुपया में बुनकर से खरीदता है, और क्वेश्चन में दिया है कि 25% लाभ प्राप्त करता है, मतलब 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर ये बुनकर है जो दुकानदार को बेचता है कितना में 150 रुपया में, तो बुनकर के पास वो साड़ी का कीमत का यानी कि वो साड़ी कितना रुपया का था, उस साड़ी का लागत मूल कॉस्ट प्राइस कितना था, जो यहां पर हमें निकालना होगा। फिर आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि दुकानदार फिर ग्राहक को बेचता है 30% के लाभ पर, यानी कि ये दुकानदार फिर आगे 30% का प्रॉफिट पर, 30% के लाभ पर ग्राहक के यहां बेचता है, तो ग्राहक कितना में खरीद रहा है जो भी हमें निकालना होगा। तो यहां पर पहले ये निकाल देते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में यहां देखिए बुनकर 25% के लाभ पर यानी कि 150 रुपये में दुकानदार के यहां बेच देता है, दुकानदार 150 रुपये में खरीद लेता है, फिर दुकानदार 30% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है, तो ग्राहक कितना में खरीदता है जो भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले ये निकालते हैं, यानी बुनकर के पास जो साड़ी था उसका कीमत कितना था, तो देखिए 25% के लाभ पर बेच रहा है बुनकर, यानी कि 125% पर बेच रहा है, तो बुनकर के लिए ये 150 रुपया क्या हुआ विक्रयमूल हुआ, और दुकानदार के लिए 150 रुपया क्रयमूल हुआ। बुनकर का हम क्या निकाल रहे हैं, बुनकर का क्रयमूल निकाल रहे हैं, तो बुनकर के लिए विक्रयमूल 150 रुपया है,
और 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य 125% होता है, तो 125% का वैल्यू कितना 150 रुपया, 150 रुपया, तो 1% का वैल्यू 150/125 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं 150/125, और बुनकर का हमें क्रेमूल निकालना है, यानी कि बुनकर के पास जो साड़ी था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था जो निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 से हमें गुना करना होगा। तो 25/125 होता है, और 25×100, उसके बाद ये कैंसिल कर सकते हैं, 30×150, तो 30×20 यानी कि ये 120 रुपया कीमत था उस साड़ी का, बुनकर के पास जो साड़ी था उसका कीमत 120 रुपया था। फिर 25% के लाभ पर बुनकर ने दुकानदार के यहाँ 150 रुपये में बेच दिया। अब फिर दुकानदार है जो 30% के लाभ पर ग्राहक के यहाँ वही साड़ी बेचता है, तो ग्राहक कितना मुझसे खरीदेगा, यानी कि अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो देखिए, दुकानदार ग्राहक को बेच रहा है, तो दुकानदार के पास यानी कि जो साड़ी है उसका दाम कितना 150 रुपया है, तो दुकानदार के लिए ये 150 रुपया कॉस्ट प्राइस हुआ उस साड़ी का, यानी कि 100% का वैल्यू ये 150 रुपया है दुकानदार के लिए, क्रय मूल्य कितना उस साड़ी का 150 रुपया है, और 30% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 130% पर बेचा जा रहा है, तो 100% का वैल्यू 150 है, तो 1% का वैल्यू कितना 150/100 हुआ, और 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य 130% होता है, तो 130% का वैल्यू निकालना है, तो 130 से गुना करना होगा। या डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 150 रुपया दुकानदार के पास जो साड़ी है उसका कीमत है 150 रुपया, और 30% के लाभ पर दुकानदार बेचता है, यानी कि 130% पर बेचता है, तो 150 का 130% कैलकुलेट करते हैं, तो 150 का 130% यानी 150×130/100 वही चीज हुआ। इसी को हम लिख सकते थे 150 का 130% भी, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, और 15×13 करेंगे, यहां भी परसेंटेज मतलब ये 100 से 00 कैंसिल कर सकते हैं ना, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल करेंगे, तो 15×13 कर देंगे कितना हो जाएगा, यहां गुना करके डायरेक्ट हम लिखेंगे 15×45 = 5, फिर बाकी 4, उसके बाद 15×15 और बाकी 4×19, दैट मीन्स ग्राहक 195 रुपये में उस साड़ी को खरीदा है। अब क्वेश्चंस में लिखा है कि क्या लिखा है क्वेश्चंस में, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपये पर बेचता, मतलब ये बुनकर है जो दुकानदार के यहां ना बेचकर डायरेक्ट ग्राहक को बेचता, तो कितना में बेचता 180 रुपये में बेचता, ये क्वेश्चंस में दे दिया है कि अगर बुनकर डायरेक्ट ग्राहक को बेचता कितना में 180 रुपये में, ये क्वेश्चंस में दिया है कि ये 180 रुपये में अगर जो बेचता बुनकर डायरेक्ट ग्राहक को 180 रुपये में वो साड़ी को बेचता, तो देखिए यहां पर से क्वेश्चंस में आपसे पूछा है कि ग्राहक को कितना रुपया का लाभ होता, तो यहां देखिए 195 ऐसे पड़ रहा है, और अगर डायरेक्ट उसको बेचता तो 180 ही पड़ता, यानी कि 15 रुपया को उसको प्रॉफिट होता, तो ये जो डिफरेंस है कितना का है 15 रुपया का है, तो ये 15 रुपया का लाभ होता, तो ये 15 रुपया तो लाभ आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी आपसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ भी बताइए, तो देखिए प्रतिशत लाभ कितना का होगा, तो 120 रुपया यहां पर बुनकर के पास जो साड़ी था उसका कीमत था, और डायरेक्ट ग्राहक को बेचता है मतलब 180 रुपये में बेचता है, तो 120 से 180 हो रहा है, यानी कि 60 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर 120 पर, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे गुना करना होगा, इतना परसेंट का लाभ प्रतिशत में इस तरह से होगा, 60 × 60 = 120, 50 × 100 यानी कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है, और इस तरह से यहां देखिए 15 रुपया का उसको लाभ होता, तो रुपया में 15 रुपया का लाभ होता डायरेक्ट बेचने पर, और प्रतिशत में 50% का लाभ होता, तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है, 50% और 15 रुपया, 50% और 15 रुपया ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166 नंबर, 166 नंबर क्वेश्चन क्या है, जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपये में खरीदता है, उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपया खर्च किया, यदि वह 4 ट्रैक्टर से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपया में बेच देता है, तो 40%
कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी तीन ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चंस में लिखा है कि चार पुराना ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है और उसके रख रखाव और मरम्मत पर 3 लाख रुपया खर्च करता है। तो कुल चार ट्रैक्टर है, कुल कितना है, चार ट्रैक्टर है। यहां लिख देते हैं इस तरह से, कुल चार ट्रैक्टर है, कुल चार ट्रैक्टर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो 2 लाख रुपया में उसने खरीदा है, 3 लाख रुपया उस पर रख रखाव और मरम्मत पर खर्च हुआ है, तो 2 लाख प्लस 3 लाख यानी कि 5 लाख रुपया हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस चारों ट्रैक्टर का। अब क्वेश्चंस में दिया है कि क्वेश्चंस में यह लिखा है कि एक ट्रैक्टर को उसने 1 लाख में बेच दिया है, चार में से एक को 1 लाख रुपया में बेच दिया है। और क्वेश्चंस में यह भी लिखा है कि 40% का कुल पर लाभ कमाता है, टोटल पर यानी कि कुल चारों ट्रैक्टर पर, कुल चार ट्रैक्टर पर वह कितना परसेंट का लाभ कमाता है, 40% का लाभ कमाता है। यहां लिख देते हैं कुल पर यानी कि चारों ट्रैक्टर पर कितना परसेंट का लाभ, तो 40% का लाभ कमाता है, 40% का लाभ कमाता है। तो यहां पर हम यह निकाल सकते हैं कि कुल चारों जो ट्रैक्टर है, कुल चार ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चारों ट्रैक्टर का क्रय मूल्य कितना, टोटल आपका 5 लाख रुपया है, 40% के लाभ पर बेच रहे हैं यानी कि 140% पर बेच रहे हैं, तो 5 का 140% यानी 5 × 140/100 इतना लाख में हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 × 2 = 10, 2 × 7 = 14 यानी कि 7 लाख रुपया क्या हुआ, चारों ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य हुआ। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक ट्रैक्टर को, एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य कितना, 1 लाख रुपया है, उसने को चार ट्रैक्टर में से कोई भी एक ट्रैक्टर 1 लाख रुपए में बेच दिया है, तो शेष तीन ट्रैक्टर जो बचा, शेष तीन ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य यहां पर का लिख देते हैं, इस तरह से यहां का लिख देते हैं, यानी कि एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य ये अच्छी तरह से हम लिख देते हैं, एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य, एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया है, कोई भी एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया है, तो शेष तीन ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य कितना रहा, टोटल विक्रय मूल्य कितना, 7 लाख है, जिसमें से कोई एक ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य 1 लाख है, तो ये 7 लाख में से ये 1 लाख घटा देंगे तो 6 लाख रुपया है जो शेष बचा तीन ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य हुआ। तो इसी का औसत पूछा है, औसत विक्रय मूल्य आपसे पूछा है क्या होगा, औसत क्या होता है, औसत आप जानते होंगे, एवरेज जिसको बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या, मतलब टोटल कितना, तीन ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य है 6 लाख रुपया, और यहां संख्या लिखना है कितना ट्रैक्टर है, तीन ट्रैक्टर है, तो 3 से भाग देंगे, 6/3 कहने का मतलब 2 हुआ, यानी कि औसत जो आपका विक्रय मूल्य हुआ वो 2 लाख रुपया हुआ। तो ये 2 लाख कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 लाख रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब शेष तीनों ट्रैक्टर जो बचा है उसका औसत विक्रय मूल्य 2 लाख रुपया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 167 नंबर, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान यानी 15% हानि पर बेचा और 35 रुपया का लाभ मिला। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगना है, तो दोनों वस्तुओं की लागत मूल्यों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में यह लिख दिया है कि 25% लाभ, 25% लाभ कहने का मतलब 25% और 15% हानि को हम -15% से लिख सकते हैं, तो 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगना है, दुगना कहने का मतलब 2:1, तो ये आपका लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो है। निश्चित राशि में करेंगे तो 2x, तो ये 1x हो जाएगा। अब देखिए पहला वस्तु का क्रय मूल्य 2x रुपया, 25% का उस पर प्रॉफिट है, तो 125% पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 2x रुपया है, 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य 125% होगा, तो 2x का 125% 2x × 125/100। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 1x रुपया है, मतलब इसको सिर्फ x भी हम लिख सकते हैं, और 15% के लॉस पर बेच रहे हैं यानी कि 85% पर बेच रहे हैं,
तो x का 85% x गुना 85/100, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहां देखिए 2x प्लस 1x तो ये 3x हो जाएगा, 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि 35 रुपए का लाभ होता है, तो ये इसी में हमें जोड़ना होगा। ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस, ये भी टोटल सेलिंग प्राइस, कुल विक्रय मूल्य बराबर के दोनों तरफ है। इसको सोल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं, तो यहां पर कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये 25 25 25 100, 17 25 85 और 20 25 100, ये 1 2 2 2 2 4 क्या हो गया 5x/2 और ये 17x/20, यहां 20 है तो यहां भी 20 कर लेते हैं। यहां पर 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5x में 10 से गुना करेंगे तो 50x, ये 50x, ये कितना 17x है, तो 50x प्लस यहां पर 17x कितना हो जाएगा, 50x प्लस 17x 50 10 60 और 60 67, यानी कि 67x और बटे 20 हो गया, तो 20 इधर गुना हो जाएगा, ये आपका 3x प्लस कितना है 35, तो 20 गुना 3x कितना हो गया 60x और प्लस 20 गुना 35 तो कितना 700 होगा, 20 गुना 35 करेंगे तो 700 होगा, और 67x माइनस 60x करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 67x और ये प्लस 60x इधर आएगा तो माइनस 60x, ये 700 के बराबर होगा, तो 7x बराबर 700, तो x का वैल्यू कितना हो गया 700/7, यानी कि x का वैल्यू 100 हो गया। तो पूछा है दोनों वस्तुओं के कुल लागत मूल्यों का योग बताइए, तो देखिए यहां पर 2x प्लस 1x यानी कि कितना ये आपका है 3x, तो x का वैल्यू कितना 100 है, तो 3 गुना 100 कितना हो गया 300, तो दोनों वस्तुओं के कुल लागत मूल्यों का योग 300 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शंस नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शंस नंबर सी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, 168 नंबर क्वेश्चंस नंबर देखिए 168 नंबर। रीमा 75,000 रुपया में एक कार खरीदती है, वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपया खर्च करती है, बाद में उसने यह कार चिरू को 15% के लाभ पर बेच दी, चिरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया, रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की। तो देखिए सबसे पहले रीमा 75,000 रुपया में एक कार खरीदती है और 10,000 रुपया रिपेयरिंग पर खर्च करती है, तो 75,000 प्लस 10,000 रुपया यानी कि ये 85,000 रुपया उस कार का लागत मूल्य हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस उस कार का कितना हुआ 75,000 प्लस 10,000 यानी कि 85,000 रुपया हुआ। अब इसने 15% के लाभ पर चिरू के यहां बेच दिया, 15% लाभ पर बेच रहा है यानी कि 115% पर बेच रहा है, तो इतना का 115%, उसके बाद फिर चिरू ने रितु को 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 10% के लाभ पर बेच रहा है तो 110% पर बेच रहा है, तो इतना का 110%। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 75,000 प्लस 10,000 यानी कि ये तो 85,000 है, 85,000 का मतलब गुना ये 115% ही लिख देते हैं और ये 110%, तो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं और ये परसेंट से भी 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। तो आपको क्या करना है, 85 गुना 115 गुना 11 करेंगे तो डायरेक्ट हम गुना करके लिख देते हैं, ये आपका आ जाएगा 107,525 रुपया। 107,525 रुपया कौन सा ऑप्शन दिया है, 168 का ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है 107,525 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 169 नंबर, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में जमीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है, कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे हुए भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए सबसे पहले ये हम मान लेते हैं कि जमीन का कुल हिस्सा जो है, जमीन का कुल हिस्सा है वो कितना है 100% है, जमीन का कुल हिस्सा कितना है 100% है, और क्वेश्चन में ये लिखा है कि कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए, मतलब कुल हिस्सा जमीन का 100% है, इस पर उसे 15% लाभ चाहिए, 15% लाभ को प्लस 15% से डिनोट करेंगे।
अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि वह जमीन का 25% हिस्सा 25% हानि पर बेचता है, 25% हिस्सा 25% हानि पर बेचता है। यहां लिख देते हैं ये 25% हिस्सा है जो 25% हानि पर बेचता है, यानी कि -25% हम लिख सकते हैं 25% हानि को। और फिर लिखा है 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है, 40% हिस्सा 25% लाभ, यानी कि +25% से लिखेंगे, जमीन का 40% हिस्सा 25% के लाभ पर बेचता है। फिर शेष कितना बचा, शेष हमें निकाल लेना है, शेष हिस्सा कितना बचा, तो 40% और 25% कितना हो जाएगा, पहले ये जोड़ लेते हैं तो 40 + 60 = 65% हो गया, तो 100% में से 65% घटा देंगे तो 35% बचेगा, यानी कि शेष आपका 35% जमीन का हिस्सा बचा है। ये हमने कैसे निकाला है, तो टोटल 100% जमीन का हिस्सा था जिसमें से 25% हिस्सा को उसने 25% हानि पर बेच दिया, तो ये 25% हिस्सा हमें घटा देना है, उसके बाद फिर 40% हिस्सा को उसने 25% लाभ पर बेच दिया, तो ये 40% हिस्सा को हम घटा देंगे, यानी कि 100% में से हम 25% और 40% को घटाएं तो कितना आया 35%। तो पहले शेष हिस्सा जमीन का जो बचा 35%, इस पर उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट या कितना परसेंट का लॉस हो रहा है जो हम निकालेंगे सबसे पहले। तो ये कैसे निकालेंगे, एवरेज का कंसेप्ट से निकालेंगे, तो ये हम डायरेक्ट निकाल करके यहां पर हम लिखते हैं, तो एवरेज का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होता है, तो कैंसिल करेंगे, रेशियो फॉर्मेट में इसको कर लेते हैं। सबसे पहले परसेंट हम कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद 5 से कैंसिल करते हैं, 7 × 35 और ये 8 × 40, 5 × 25 और ये 20 × 25 100। अब देखिए ये क्या हो गया, तो गुना करेंगे यानी कि 20 × 15 या परसेंट पे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 2 = 30 और ये 0, यानी कि 300% यहां लिख देते हैं पूरा क्लियरली, और ये बराबर किसके होगा, तो 5 × -25 यानी कि -125 हो जाएगा परसेंट, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 8 × 25 तो ये 200 हो जाएगा परसेंट, और प्लस यहां पर एक्स भी इसको मान सकते हैं, मान लीजिए कि एक्स परसेंट है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 7 × x, इसको हम मान लेते हैं कितना एक्स परसेंट, इसको एक्स परसेंट मान लेते हैं, तो 7 × x यानी कि 7x% हो जाएगा। और इसे सोल्व करेंगे तो 200 में से पहले ये 125 हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा 75 यानी कि 75 बचेगा, और फिर 75 यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये 75% हुआ, कितना हो गया ये 75%, फिर ये 75% इधर घटाएंगे यानी कि 300% में से 75% घटाएंगे तो कितना बचेगा 225% बचेगा, तो 225% बराबर कितना हो गया 7x%, तो x का वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 225/7%, तो इसका वैल्यू प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाभ हो रहा है, यानी कि आपका हानि नहीं हो रहा है मतलब लाभ हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो शेष हिस्सा जमीन का 35% है उस पर 225/7% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये प्लस कहने का अर्थ हुआ कि लाभ हुआ है, यानी कि 225/7% का लाभ हुआ, यहां पर ये प्लस का चिन्ह हटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको हम रेशियो में लिख देते हैं, क्रेमुल और विक्रेमुल का यहां पर से रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहां 225/7% हटाएंगे तो 1/100 से गुना होगा, तो 25 × 100 25 × 225 यानी कि 9/7 × 28, तो ये 28 आपका क्या है क्रेमुल, 9 क्या है लाभ यानी कि प्रॉफिट, तो क्रेमुल और विक्रेमुल यहां पर से क्या हो जाएगा क्रेमुल विक्रेमुल का रेशियो, तो क्रेमुल आपका 28 रुपया, तो विक्रेमुल कितना 28 + 9 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 28 + 9 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 37, क्रेमुल 28 रुपया तो विक्रेमुल 37 रुपया, रेशियो में इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति 3 लाख रुपये में जमीन खरीदता है, यानी कि जमीन जो खरीदता है 100% हिस्सा जमीन का है वो 3 लाख रुपया में खरीदता है, तो 100% का वैल्यू 3 लाख रुपया हुआ, तो हमें ये शेष जमीन का हिस्सा 35% का वैल्यू निकाल लेना है कितना रुपया हुआ जो पहले। तो देखिए आप जानते हैं कि 100% का वैल्यू कितना है 3 लाख रुपया, 3 लाख कहने का मतलब हुआ कि 3 × 5 = 0, इस तरह से 3 लाख रुपया हुआ, तो यहां पर से हम 1% का वैल्यू पहले निकालेंगे तो कितना होगा 3 लाख / 100 करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3000 रुपया, 1% का वैल्यू 3000 रुपया हुआ, तो जमीन का शेष हिस्सा कितना 35% रहा,
तो 35% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 1% का वैल्यू 3000, तो 35% का वैल्यू 35 × 3000, तो 35 × 3 = 105, यानी कि 105,000 रुपया। ये शेष जमीन का हिस्सा जो 35% रहा उसका कीमत कितना, ये आपका 105,000 रुपया है। तो ये 105,000 रुपया उस जमीन का कीमत है, और यहां देखिए कीमत कितना है रेशियो में 28, तो ये 28 का वैल्यू कितना है, यहां लिख देते हैं 105,000 रुपया। तो आपसे पूछा है ये 37 का वैल्यू क्या होगा, जो पूछा है, तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यहां देखिए एक ही लाइन में हम लिख रहे हैं 28 रेशियो का वैल्यू कितना है 105,000, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, 105,000 बटे 28 हो जाएगा, और 37 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 37 इसमें गुना करेंगे। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 × 28 इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो 15 × 7 105 होता है, यानी कि यहां 15 लिख देते हैं और ये 000। उसके बाद 4 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, कर देते हैं, देखिए 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, फिर यहां पर 3 × 0 = 28, फिर 2 × 0 यानी कि 4 × 5 = 20 और ये 0 यानी कि 3750 में आपको 37 से गुना करना है, तो ये गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ये आपका आ जाएगा 138,750 रुपया, 138,750 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप हमने इसका सोल्व किया है और ये आपका एवरेज का कंसेप्ट से हमने इसे बताया है, यही आपका बेस्ट अप्रोच है, एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 169 ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन कितना प्रॉफिट एंड लॉस में हमने किया 169, टोटल क्वेश्चन 169 नंबर तक था जो हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से ये आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लाभ और हानि भी सभी टाइप्स हमने समाप्त किया। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी हम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एडवांस मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, मेंसुरेशन, उसका भी टाइप 1 का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेंसुरेशन देख सकते हैं या डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स इस तरह से लिखा रहेगा, तो सर्च भी कर सकते हैं आरआरबी 2024 यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं भी सर्च करेंगे आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन, तो प्लेलिस्ट आ जाएगा, वहां पर से आप चैप्टर वाइज करके टाइप वाइज करके उसमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये जितना भी चैप्टर हमने करा दिया है, इतना करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे एडवांस मैथ्स का कोई टॉपिक जैसे मेंसुरेशन या एरिथमेटिक आगे करेंगे, तो डिस्काउंट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं कुछ दिन, कम से कम 2 या 3 दिन के बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो यानी कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जरूर आ जाएगा, मेंसुरेशन का या डिस्काउंट का भी हो सकता है। सिर्फ इसी बुक का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, पिनाकल मैथ्स 3rd edition का भी छोड़ दिया हमने, किरण 9700 का भी छोड़ दिया है, सिर्फ आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन का ही रेगुलर कर रहे हैं, ताकि एक बुक कंप्लीट पूरी अच्छी तरह से समाप्त हो सके।